بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आजीज तलब कर उम्मीद करता हूँ अहब आप, आप खैर से होंगे इन शाह आज हम तफसर जलाल के दर्स नंबर एक सौ तिहत्तर में सिपारा नंबर अठारह से शुरह ममिन की मंतख करदा आयात पचानवे और छियानवे को पढ़ने की शहादत हासिल करेंगे जिन में कलामे वाली ताला वकामे मुफसर का तर्जमा होगा और अब तो के आयात को ज़िक्र किया जाएगा कलाम मुफसर की तशरीह तो करते हुए दीगर मुफसरीन कराम के, के अकवाले जीशान को जिक्र करने की शदत हासिल करेंगे तो आइए के राम बिला तखीर बढ़ते हैं अपने आज के दर्ज की तरफ रब बसमिल्लाबला ने इर्शाद फरमाया हुआ इ ना आला आइए तलब तो कराम सबसे पहले इन आयात मुकदसा का माकबल आयात के साथ रबत और ताल्लुक जान लेते हैं अलम वमफसरी के नाम इन आयात मुकदसा का माकबल आयात के साथ पहला रबत और ताल्लुक कुछ यूँ बयान करते हैं कि पिछली आयात में ता कयामत मुसलमानों को एक दुआ मांगने का हुक्म दिया गया कि अ मुसलमानों तुम ये अर्ज करते रहा करो कि या अल्लाह काफिरों का आजाब मुझे दिखाना चाहे तो मुझे ज़ालिम कौम में से न बना और ना मुझे इनके करीब रख अब इन आयात में फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि कुफार का आजाब दुनिया या कबर वाला दिखा दे मगर चूंकि इस आजाब को देखना मुफीद नहीं है इसलिए तुम सब मुसलमान इस आजाब ऐबरत को ना देखने और ना दिखाने की दुआ मांगते रहा करो आइए तो लब अरब तो आयात के बाद बढ़ते हैं आज के दर्स के तर्जिमा की तरफ ने फरमाया अन इर्शादर लकादिरों और हम बेशक इस बात पर कादिर हैं कि जो वादा उनसे कर रहे हैं आपको दिखला देंगे आप उनकी बदी यानी आपको एजारसानी का दफिया ऐसे तरीका से कर दीजिए जो बहुत ही अच्छा हो यानी आप उनसे आफू दर ऊजर की खसलत के जरिए और ये आफू दर उजर का हुक्म जिहाद की इजाजत से पहले का है बाद का नहीं है इसके साथ आप उनसे इजारी का दफिया कर दीजिए और नखनम बीमा या सिफू हम खूब जानते हैं जो कुछ ये कहा करते हैं यानी जो ये तकजीब करते हैं और बातें बनाते हैं हम इनको इस काम पर यानी इनके अकबाल के ऊपर सजा देंगे आइए क़राम तर्जमा के बाद बढ़ते हैं आज के दर्श की तशरी की तरफ व इन्ना आला कमान इस आयत मुकदसा में औरब तला इरशाद फरमा रहा है कि हमें कुदरत है कि हम तुम्हारी आँखों के सामने ही दुनिया में ही इनको सजा दे दें लेकिन आपके मकाम बुलंद और आला अखलाक का तकाजा ये है कि इनकी बुराई को भलाई से दफा करें इदफा ही आहसन। आप इनको बुराई का जवाब भलाई के साथ दें जहाँ तक इस तरह दफा हो सकती है और इनकी बेहदा गुफ्तु से मुश्तिल न हो इनको हम खूब जानते हैं और इन्हें इनके वक्त के ऊपर सजा दी जाएगी जब इनका वक्त आ जाएगा जितनी ये गुफ्तगू कर रहे हैं ना हम इनको सारी की सारी सजा देंगे आपकी चशम पोशी और नरम बर्ताव का महबूब असर ये होगा कि बहुत से लोग गर्वीदा होकर आपकी तरफ मायल हो जाएंगे और दावतो इस्लाह का मकसूद हासिल होगा इस आयत मुकद्दसा में आप वसल्लम को मकारिम में अखलाक की तालीम दी गई जो हर मुसलमान को बाहम मामला में हमेशा पेशे नजर रखनी चाहिए अलबत्ता कुरिकीन से उनके मजालिम के मुकाबला में आफू दर गुजर ही करते रहना उन पर हाथ न उठाना ये हुक्म आयात जहाद से मनसूख हो गया मगर एन हालत जिहाद में भी इस हुन अखलाक के बहुत से मजाहिर बाकी रखे गए औरत को कत्ल न किया जाए बच्चे को कत्ल न किया जाए जो मजहबी लोग मुसलमानों का मुकाबला में जंग में शरीक ना हो उनको कत्ल ना किया जाए और जिसको भी कत्ल करें उससे मुसला न ना करें नाक कान वगैरह न काटें इसलिए बाद की आयात में हुजूर आ सलातु व सलाम ने शैतान और उसके वसवास से भी पना मांगी है कि मैदान ने कत्ल में भी आपकी तरफ से आदलो इंसाफ और, और मकारीमे अखलाक के खिलाफ कोई काम शैतान के गुस्सा दिलाने से सागिर ना हो जाए यानी इस्लाम इतना पुर अमन मजहब है कि फरमाया अगर आपके साथ कुफार बुराई भी करें तो आप उनकी बुराई का जवाब भी बलाई के साथ महबूब दीजिएगा और नीमा ये जितनी बातें करते हैं जितने झूठ घटते हैं जितनी आपके खिलाफ बेहूदा गुफ्तु करते हैं महबूब परेशान ना हो हमें सारा इल्म है हम सब जानते हैं और कयामत के दिन हम इनकी इन बातों पर इन्हें लाजमी बदला अता फरमाएंगे लेकिन महबूब आपके लिए हुक्म ये है कि दूर करते हटाते मिटाते बगाते रहिए इन्हें अच्छे आसान और नरम तरीके से आहसन तरीके से लड़ाई झगड़े के बगैर हर किस्म की बुराई हमाकत जहालत दलालत को आशरा इस्लामी अलाका ईमानी से ये सब खराफात मुखलाफात खुद ही दूर हटती चली जाएगी ईमान अहसन है कुफर है अच्छे अखलाक अहसन है बद अखलाकी सै है तोहैद आहसन है शिरक है, आसन सुलक आहसन है बदसलूकी सै हक की तस्दीक आहसन है हक की तकजीब स आ है आहले हक की तयद ताउन हिमायत आहसन है मगर उनकी तदहीक तजलील अज़ियत स्य आ तकवा तहारत इबादत तिलावत आहसन है फिस्क फहाशी आयाशी सै आकम हसिनो जमीन आहसन है बदकलामी फोहश बातें हैं इन से हसद सै आसद पबंद करना ये सही आ है हम दो नाथ सलातो सलाम ये आसन है तसल्लुब यानी हक हको सदाकत पर डट जाना ये आसन है और तसुब यानी जहालत दलालत हमाकत पर जिद करना ये सै आ है दलायल की बातें आहसन हैं जहालत की बातें सैया हैं लिहाजा मुसलमानों तुम्हें हुक्म यह है कि हर सैया को हर आहसन तरीके से मिटाओ हटाओ बगाओ एक ज़माना था जब अबू जहरीत की सैत गली कोचों में दंदनाती फिर रही थी तब उसको उसवाय हसन और खलूक अजीम के अहसन मुस्तफवी ने दफा और फना कर दिया मगर फिर किसे खबर थी के ले के चरागे मुस्तफ़वी जहां में आग लगाती फिरेगी गिबू जहरी और इधर उधर से निकलती फिरे अब ये वो ही दौर गिबू कि नबी नबी से दुश्मनी जिक्र आका से करवाहट और नबी करीम से आदावत सया बिखरी पड़ी है तो ऐमान वालो इतफा बिल्लती या अहसनु सै ऐसे मजबूत तरीके से इस सया खबीसा को बगाओ के आसानी से इस किस्म की हर मिटती चली इसमें हम सबसे ज्यादा जानने वाले हैं इन खबीसों को कुफार को अशरार को किस तरह किन किन चीजों से इस्लाम कुरआन अल्लाह के रसूल के फरमान को मुतसिफ व मनसूब करते हैं इस्लाम को आनी जानी कुरान को किस्से कहानी अल्लाह ताला के लिए अकीदानी रसूल को शायरो जनूनी, आज इनको बातें बना लेने दो मोहलत मेयाद की हयात पूरी कर लेने दो इनकी खराफात जाहिरा खत्म ही होने वाली है मनसूबाते बातिन इनके मिट जाएंगे अल्लाह और उसके रसूल और कुरान का ये कुछ भी नुकसान नहीं कर सकेंगे इनका अपना ही आबदी नुकसान कर रहे हैं और शयातीन के जाल में ये फंस रहे हैं हम इनकी तमाम गुफ्तगु के ऊपर इन्हें अंकरीब बहुत बड़ी सजा देने वाले हैं आइए तलाबराम करवाल करते हैं माँ नादू हम के माना में दो कौल जिक्र करते हैं अक्सर ने फरमाया इससे मुराद अजाबी है जो हयात पाक और जमानी में कुफार पर पड़ा, शिकस्त और शक्ल में बागियों को मिला और बाज ने कहा यह अजाब आखरत का वादा मुराद है ए दफा के माना में दो कौल हैं। बाज ने कहा इसका माना है दूर कीजिए हर बुराई को इस कौल में ये आयत आमल महम है ता कयामत इसका हुक्म बाकी है और बास ने कहा इस कॉल में ये आयत मनसूख है आयत सैफ से राहत में दो कॉल के बाद बढ़ते हैं आज के दर्ज पर होने वाले एतराजा की तरफ पहला एतराज अल्लाह ताला ने अनफाल में इरशाद फरमाया मा कान वाहमी और ये एक वाद इलाहिया है और वाद इलाही की शान शोर राग में जिक्र हुई इन अल्लाह यानी अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं फरमाता तो वादा फरमाया गया कि हम नबी करीम की मौजूदगी में कुफ़ार को आज़ाब नहीं देंगे लेकिन यहाँ फरमाया जा रहा है वह इलाूरी कमान यानी हम कादिर हैं कि इन कुफ़्फ़्फ़ार पर वो आज़ाब नाजिल कर दें जिसका हमने उनसे वादा किया है और आपको दिखा दें आपके होते हुए इन पर आजाब नाजिल कर दें ये तो वाद खिलाफी है और वाद खिलाफी पर कादिर होना भी मुहाल मुहार है तो फिर क्यों ऐसा फरमाया गया जवाब इसका जिक्र करते हैं आजाबों में फर्क है यहा माद उहम में आजाब इबरत मुराद है यानी किताले बदर शिकस्त फतुहात फतेह मक्का की जिल्लत जिससे कुछ, कुछ कुफार हलाक हुए और कुछ इबरत पकड़ कर मुसलमान हो गए ऐसे ही बाद की जंगे तागियों की हलाकतें बागियों की सरकूबी बल्कि सब इस्लामी जंगे कुफार के लिए आजाब इबरत ही रही हैं। लेकिन सूरह अनफाल में माँ का नाहू फरमाना वहाँ आसमानी गैबी आजाब हलाकत मुराद है कि आजाब आया और यकदम सब कुफार को हलाक कर गया नबरत की मोहलत मिली न तोबा का वक्त मिला इस आयत इनफाल में उस नगानी आजाब के तामत ता ना आने का वादा है लिहाजा एतराज वारिद नहीं होता दूसरा एतराज आज के दर्ज के ऊपर ये होता है यहाँ फरमाया गया इदफा जिससे साबित हो रहा है कि मुसलमान खुद दिफा से याद करे फिर फरमाएगा हम जानते हैं कुफार की हरकतों को इससे साबित हो रहा है मुसलमानों तुम उन कुफार से कुछ ना कहो चूंकि हम ही या जानते हैं हम खुद ही उनसे बदला लेंगे ये तो तनाकुज हो गया तो फिर इसका हल क्या है इसका जवाब ये देते हैं कि कोई तनाकुज नहीं का माना है मुसलमानों आहसन तरीके से दिफा करते रहना लड़ाई झगड़ा और सख्त कलामी मत करना लेकिन सख्त बदला उनकी सयात का वो नाहमू हम उनकी सयात माँ या सिफून को जानते हैं और हम ही लेंगे उनसे सखत बदला मुसलमानों ने सिर्फ दिफा करना है कामिल बदला नहीं लेना उन सयात की असल सजा तो हम खुद ही जानते हैं और हम खुद ही इनसे निमट लेंगे